सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, काफ़ी टाइम के बाद मैं किसी एग्जीबिशन में जा रहा हूँ। मैंने शुरुआत अपने अहमदाबाद एग्जीबिशन से की थी व्लॉग बना के। वापस अभी अहमदाबाद एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, बहुत सी एक्सपेक्टेशन है। और मेरे साथ कुछ मेरे डीलर मित्र है, ये राजकोट के तारक मेहता, ये मेरे दोस्त मोहित सोनी, और ये जिनका वीडियो आपने सबसे पहले मेरी चैनल पर देखा, राजेश वोरा, राजू भाई। हाँ जी, ऐसे है राजू भाई? बढ़िया भैया। माल वाल ले लिया कि वहाँ से लेने? आपका सेट बाय दोनों करेंगे भाई, बाय सेल दोनों करेंगे। हाँ जी, बढ़िया है। चलो तो अभी जाते हैं सीधा एग्जीबिशन में। आज है गुरुवार, गुरु शुक्र शुक्र शनि रवि, तीन दिन एग्जीबिशन लगता है। और अहमदाबाद में जनरली तीन एग्जीबिशन अब लगने लगे हैं। एक एग्जीबिशन सोसाइटी लगा थी ये फरवरी में, एक एग्जीबिशन होता है क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी का जो अगस्त में होता है फर्स्ट वीक में, और इनके बीच में कभी भी टाइम मिल जाए तो राज ग्रुप एग्जीबिशन कर लेती है। तो चलो सीधा जाते हैं पहले होटल पे। अहमदाबाद आ चुका है, अब यहाँ से हार्डली 2-5 मिनट का रास्ता है होटल का। चलो नंबर बोला मोटा भाई, अहमदाबाद पहुंच गए। खाली सामान उतारे अंदर निकलो। आ एक मारी मेन बैग छे ने हूं लई लो पहला। ना भाई ना, मा माल नथी काय। ના ના, લોક ચાલુ જ છે। ચલો સીધા જાયંગે ઉપર હોટલ। યસ બ્રધર, वॉशरूम जाना है। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। रूम अलग है मेरा, इनके साथ ही। हाँ सब अलग है आज। ये लो, कहाँ पे करना है? चलो अभी आ चुके हैं होटल में, अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे अहमदाबाद, थोड़ा बहुत घूमेंगे। बढ़िया हो से, चलो अपना काम हो जाएगा इधर। वाह, टीवी भी दिया है लेकिन हम कोई देखते नहीं है। सबसे ज़्यादा लाइटिंग होना चाहिए अपने को, लाइटिंग से थोड़ा। चलो लाइटिंग तो बढ़िया है। बस दोस्तों अभी थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे, फिर जितने भी डीलर हो गए उसके रूम में जाएंगे। किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छा माल मिलता है, तो देखते अपने काम का होगा तो माल लेंगे। ऐसी ही हमारी सिक्कों की दुनिया, घूमते रहते हैं, सिक्के कलेक्ट करते रहते हैं, बेचते रहते हैं, कमाते रहते हैं। मिलते हैं लंच के टाइम पे। और दोस्तों ये मेरा दोस्त मोहित, इसका भी मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था कि नहीं मोहित भाई? जी सर, मज़ा आया ना वीडियो में? बहुत मज़ा आया, लोग भी जानने लगे, अच्छे से जानने लगे ना। बढ़िया है, बढ़िया है। अब की बार कैसा लगता है मोहित भाई, कैसा लगता है? एग्जीबिशन अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा, मेरे को भी लगता है एग्जीबिशन अच्छा जाएगा। अहमदाबाद में रिपब्लिक का माल अच्छा मिलता है कि नहीं? रिपब्लिक का माल अच्छा मिलता है, और सब जगह से डीलर आएंगे अहमदाबाद में, ऑल ओवर इंडिया से डीलर आते हैं, तो एग्जीबिशन अच्छा ही लगेगा। तो चलिए होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि 2023 के एंड, 2023 के हाफ से हमारा साल कुछ इतना गया। ये आ गए हमारे महाराज। आओ पिंटू भाई, बेहो, ये राजकोट के सबसे बड़े व्यापारी और सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यापारी हैं महाराज। क्या लेके आए हो माल में, कि माल खरीदने आए हो? दोनों दोनों करेंगे। स्टॉल लिया है महाराज आपने? हाँ है। टोल नंबर कौन सा है पता नहीं है, देखना होगा। हाँ
तो अलॉट किया तो पता नहीं आपको कौन सा स्टोर है? बोल दिया है ऐसे ही कि स्टोर रख देना। अभी लंच के लिए नीचे आया हूँ, होटल है हमारी सामने और यहाँ से एक डीलर है सामने, उसके उधर जाते हैं। आप वहाँ रोड देख रहे हैं ना, रोड के उस पार एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन आज से नहीं, कल से शुक्रवार से शुरू होगा। बीच में मेरा एक दोस्त है सुनील, उसको भी मैंने एक वीडियो में लिया था, सुनील वासवानी, उसकी शॉप है। उसकी शॉप पे जाके देखेंगे क्या क्या बढ़िया बढ़िया आइटम है। बेसिकली क्या होता है, हम एक दिन पहले आ जाते हैं ना, तो जितने भी डीलर होते हैं ना उनके वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उनके पास क्या क्या कौन सा अच्छा मटेरियल है। ये सीजी रोड कहा जाता है, यहाँ पे हम खाना खाएंगे। ये चॉइस है ना, वहाँ खाना खाएंगे। ये पूरा सीजी रोड है और ये है सुनील का शॉप। ये देखिए रोशनी न्यूमिस्मेटिक्स, सेव हेरिटेज सेव कॉइन्स। और ये आ गए सुनील भाई। सुनील भाई बमेंटा क्या, तो बमेंटा खाली बमेंटा। कैसे हो सुनील भाई? बढ़िया बढ़िया। क्या दिखा रहे हो माल में? आपके सिटी में आए, चलो कुछ कमाने वाने का दो, कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम दिखाओ, बंडल में दिखाओ। मेरा तो मेन इसमें बंडल्स में ही है। हाँ, पहले तो ये शॉप का पूरा आपको रिव्यू कर देता हूँ। सुनील भाई की ये शॉप है, बाहर आपको एड्रेस भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मटेरियल रखते हैं वो। ये देखो कुछ प्रूफ सेट है, कुछ यूएनसी सेट है, यहाँ पे कुछ बुक है। और ये सुनील भाई जो एग्जीबिशन में जाते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, उनके पूरे सर्टिफिकेट वगैरह है। सारी चीज़ों में डील कर लेते हैं। हाँ, मेन कॉइन्स और नोट्स और बंडल्स में और सेट्स में। ओके, तो अभी क्या क्या आइटम है? अभी ये थोड़े बहुत बंडल्स हैं, हाईलाइट कर रहा हूँ। बराबर है, इसको और लूज नोट वगैरह भी हैं जो रेयर होते हैं। वाह बढ़िया है। तो सुनील भाई अगर कोई यहाँ पे माल देना आता है तो जो कॉमन बंडल वगैरह होते हैं वो भी खरीद लेते हैं आप? एक रुपए दो रुपए पांच रुपए कम खरीद ले जाए, लेकिन मेन बड़े बंडल्स में और उसमें बंडल्स में काम है। और नहीं, ऐसा कोई बंडल अगर लेके आएंगे कोई तो आप खरीदेंगे कि नहीं? हाँ लेंगे। बढ़िया है। तो आपने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया? हाँ स्टॉल है मेरा, स्टॉल नंबर 5। वाह। और सबसे पहले आज आपको हैप्पी बर्थडे, सुनील भाई का जन्मदिन है आज। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सुनील भाई। थैंक यू सुनील भाई। बुक वगैरह भी अगर अहमदाबाद में कोई आएगा तो आपके ऑफिस से मिल जाएंगे ना? हाँ, उनको बुक वगैरह भी सब मिल जाएगा। और ये स्टेशनरी थोड़ी बहुत बेचते हैं आप क्या? हाँ स्टेशनरी भी शुरू किया है, अभी चालू किया है अभी रखने का। ओके करके डन है, चलो वेरी गुड। ये कुछ यहाँ पे मटेरियल है और ये कॉइन्स वगैरह हैं, ये सारे सिल्वर के हैं, सिल्वर और कॉपर दोनों है इसमें। तो अलग अलग कॉइन की अलग अलग वैल्यू होती है ना? अच्छा, विक्टोरिया के हैं, ये 1840 के विक्टोरिया कॉइन्स हैं, ये एडवर्ड्स वगैरह के हैं। एक बात ये बताइए इसमें कितना सिल्वर रहता है? इसमें 11.600 मिली वेट रहता है। ओके, इसमें एक रुपये में? हाँ सिल्वर में, ये फुल सिल्वर होती है, इसमें हाफ सिल्वर भी आता है। ओके, दोनों आता है इसमें से, फुल सिल्वर रहता है। ओके, देखो दोस्तों दोनों कॉइन्स में ना बहुत सारा अंतर है, 100 सालों का अंतर है। वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चांदी का प्राइस बढ़ गया था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फुल सिल्वर के कॉइन आते थे उनको हाफ सिल्वर में कर दिया। धीरे धीरे हाफ सिल्वर भी निकल में बदल गया और उसके बाद निकल के बाद कॉपर निकल, कॉपर निकल के बाद ब्रास। तो जैसे जैसे मेटल की प्राइस बढ़ती जाती है गवर्नमेंट मेटल ही चेंज कर देती है। ये देखो कॉपर है, वैसे ये तो कॉमन है ना सुनील भाई? कॉपर से, लेकिन कंडीशन वाला है, अच्छी कंडीशन का माल है। इसमें कॉमन कंडीशन भी आता है और यूएनसी कंडीशन भी आता है, दोनों में डिफरेंस। बेसिकली मोटा मोटा इसका एक कॉइन का क्या भाव रहता है? इसका एक का 10 से 12 रुपए, 10 के 12 रुपए, 10 से 12 रुपए रहता है ना? 10 से 12 रुपीज।
अनिल भाई का जन्मदिन है आज, तो जितने भी डीलर है सब आए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे जितने भी इस टेबल से उस टेबल है सारे डीलर है। Happy birthday to you. 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 सो आज का दिन बढ़िया रहा, एग्जीबिशन कल से शुरू हो रहा है, लेकिन आज मैं गया सुनील भाई के पास और दूसरे 5-6 डीलर के पास, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मटेरियल इतना ऑफर कर रहे थे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब के बाद जो भी एग्जीबिशन में जाऊँगा ना, हर एग्जीबिशन का एक बढ़िया सा व्लॉग बनाऊँगा ताकि आपको भी एक न्यू इंस्पेक्टर्स की लाइफ कैसी होती है ना वो आपको पता चले। हमारी लाइफ वैसे तो काफ़ी कूल होती है, कभी कभी ईद होते हैं, कभी रोजे होते हैं, लेकिन दोनों में हम संभल के स्ट्रेट लाइन में चल देते हैं, तो लाइफ इज़ गुड। आज का दिन यहाँ पर ख़त्म होता है, सुनील भाई की बर्थडे पार्टी हो गए थे, बहुत मज़े किए, अच्छा खाना खिलाया सुनील भाई ने और एवरीथिंग इज़ गुड। कल बहुत एक्सपेक्टेशन है, एग्जीबिशन हॉल में जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा, कुछ अच्छे डीलरों से आपसे मिलाऊँगा और आप सबके लिए एक बढ़िया और एक बेहतरीन खुशखबर लेके आऊँगा, घर बैठे आपका काम हो जाएगा ना ऐसा। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन, एग्जीबिशन का डे मज़ा आएगा, लेट्स हॉप फॉर द बेस्ट। तो 21 जून है और मेरे साथ सुनील भाई वाया, इनको तो सब जानते हैं, हमारे साथ और है नीलेश भाई पोकर, जाएंगे यहाँ से एग्जीबिशन। क्या लगता है एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन से अच्छी होप है, देखते हैं क्या होगा एग्जीबिशन में। हाँ, कुछ माल मिलने का चांस है ना, चांस है। इस ये साल उतना मजेदार नहीं गया ना? नहीं, अभी माल आना बहुत बंद हो गया है, पहले जिस फ्रिक्वेंसी में आता था उस फ्रिक्वेंसी में नहीं आता ना। अभी बहुत कलेक्टर्स बढ़ गए हैं, बहुत इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं, इसलिए अभी वो लोग ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, इसलिए माल ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा है। बढ़िया है, तो न्यूमिस्मेटिक ग्रोइंग फेज में है अभी, माल ना मिलना इसका मतलब यह है कि जो भी पुराना माल था वो या तो कहीं इन्वेस्ट हो गया, किसी कलेक्टर के पास चला गया, जिस फ्रीक्वेंसी से पहले आता था अब नहीं आता है, अब थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम लोग भी माल बेचते हैं और ख़रीदते हैं। तो चलिए सीधा जाते हैं एग्जीबिशन हॉल पर, बीच बीच में कुछ ऐसा होगा तो आपको दिखाऊँगा, चलिए लेट्स गो टू द एग्जीबिशन हॉल। पहुँच गए एग्जीबिशन हॉल में, सबसे पहले नाश्ता करेंगे ऊपर, वही प्रेसिडेंट होटल है, फिर जाके बाजू में हॉल है, मैं आपको दिखा, एक एग्जीबिशन हमारा यहाँ पे होता है इस होटल में शत्रुघ्न भाई का, एक या राज ग्रुप का एग्जीबिशन है। देखो ये एग्जीबिशन हॉल है, लेकिन यहाँ पे हम पहले नाश्ता करने जाएंगे। अरे कैसे हो, चालू है व्लॉग इसलिए, कैसे हो? एकदम। और वेबसाइट खोला है, आपको पैम्पलेट वगैरह दूंगा, आप उसमें वेंडर बन जाइए। बिल्कुल, जीएसटी नंबर तो है आपके पास? 100% अकेला हम ही बनेंगे, फिकर मत। एक ही बंदा है और ये, अरे एक ही बंदा है, एक ही बंदा है यहाँ पे, आयाज भाई है। स्टेशनरी खरीदने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा न्यूमिस्मेटिक स्टेशनरी की सप्लाई आयाज भाई करते हैं, इनके बगैर सारे सबके कलेक्शन अधूरे है, सबके कलेक्शन अधूरे है। चलिए अभी आ चुके हैं SNS पॉइंट्स में, सिद्धार्थ भाई बहुत सीनियर न्यूमिस्मेटिस्ट है, उनके स्टॉल पे मेरे को एक बहुत अलग चीज़ दिखी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अपने कलेक्शन में वो जमा कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में खरीदने जाएंगे ना तो वो बहुत महंगी नोट होगी, तो अगर फैंटेसी पूरी करनी है ना तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ भाई कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ आप नया कॉन्सेप्ट लेके आइए, बताइए क्या लेके आए?
75 years ऑफ इंडियन हेरिटेज, इंडिया हेरिटेज करके एक है ये, कि हमने ऐसे डिस्प्ले फ्रेम बनाया हुआ है। ये सब मिंट ने बनाया, आपने बनाया? नहीं, या, ये मेरा, आपका कॉन्सेप्ट है? ओके, ये प्रिंट के साथ एक्रेलिक चेन के साथ है ये। इसमें तीन वैरायटी है, 1000 rupees, 5000 rupees और 10000 rupees। आप देख सकते हो, गिफ्टिंग के लिए अच्छा है, कलेक्शन पर्पस के लिए भी अच्छा है, और किसी को डिस्प्ले के लिए भी अच्छा है। ओके, आज की डेट्स में अगर ये नोट अवेलेबल नहीं होती, और अगर होती भी है तो इसकी वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है, जो मैं आपको ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। वैसे 1000 rupees का भी है, आप देख सकते हो, और 1000 rupees का भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है। ये 5000 का है? 1000, 5000 and 10000 rupees का। अच्छा, ये दोनों तो नोट बहुत महंगी है। Yes. इसकी अप्रोक्स वैल्यूएशन होती है 35 to 40000 rupees। वो अगर आपको रियल नोट देखनी है तो इनके कलेक्शन में, इस पर भी सिग्नेचर पे डिपेंड होता है। एक मेरे को सैंपल दिखा दीजिए ओरिजिनल नोट का। आप देख सकते हैं कंडीशन। वाह, इसकी अप्रोक्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू क्या होती है? ये केआरपी का जो सिग्नेचर मॉडल है, उसकी वैल्यूएशन अप्रोक्स 75000 to 80000 rupees, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ओके, ये एनसीसन का है, अगर ग्रेड कर दिया तो प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगा। या डिपेंड्स ऑन द कंडीशन है, अगर इसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन होता है 35 to 40000 rupees, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ये जो नोट है मेरे हाथ में, इसकी वैल्यूएशन 35000 rupees। और ये एक साइन किसका है? एनसी गुप्ता का। ये निर्मल चंद्र सिंह गुप्ता, वो सिर्फ एक ही नोट गए, ऊपर गवर्नर का भी साइन है। और ये केआर पुरी, केआर पुरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाते। ओके, और सिद्धर भाई कुछ यहाँ पे मुझे हैदराबाद या कश्मीर की नोट नजर आ रही है, ये एक बहुत एक्सट्रीम रेयर सेट है, ये फर्स्ट स्ट्राइक का है ना? दो कॉइन का सेट आता है इसमें, ध्यान रखिए इसमें बहुत सारा फेक्स भी आता है, मतलब पैकिंग वगैरह नया होता है तो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है, उसका कवर होता है, पैकेजिंग होता है, पूरा डिफरेंट होता है। नॉर्मल कलेक्टर के लिए बहुत थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है लेने के लिए, पर जो डीलर है उसको आइडिया आ जाता है। तो अगर आप ये कहीं से भी लेते हो तो वेरीफाई करके लीजिए, ये मेरा आपसे सुझाव है। ओके, और ये किसी को खरीदना है ये तीन चीजें तो आप, ये इसका एमआरपी प्राइस है 2000 rupees, अभी हमने नया लॉन्च किया हुआ तो 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं, 1000 rupees में दे रहे हैं। 1000 rupees पर पीस है या तीनों का 1000 rupees? पर पीस 1000 rupees, तीन का 3000 rupees। क्या मेरे पास कोई भी पीस ले 1000 rupees में आएगा? यस, 1000, 1000 and 1000। तो ये 1000 rupees का फैंटेसी नोट है, एक्रेलिक में पैक किया हुआ, 10000 rupees का स्पेसिमेन है, और ये 5000 rupees का। अब इसकी जो बनाने की कारीगरी है ना, वो बहुत बढ़िया है। ये तो ओरिजिनल लेने जाएंगे, ये तो एक फ्लैट चला जाएगा किसी का। अच्छा, ये अगर इस पे देखोगे तो ये स्पेसिमेन नोट है। हाँ, बट अगर ये स्पेसिमेन नोट भी है तो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होता है। हाँ, आज के डेट के अंदर ये मतलब नॉर्मल अवेलेबल नहीं है, स्पेसिमेन। और सिद्धार्थ भाई बहुत सारे लोगों को ना, और ये डांडी मार्च का ESPD कॉइन जो स्टेनलेस स्टील के ऊपर है। ओके, वाह, 35, 35, 35। सिद्धार्थ भाई पब्लिक को समझाएंगे कि कॉइन पे EXP लिखा होता है, एक्सपेरिमेंटल, तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? ट्रायल कॉइन होता है। इससे क्या मिंट क्या करती है एक्चुअली? ये प्रपोज करती है कि ये ऐसा कॉइन आने वाला है, उसके ऊपर ट्रायल होता है। ये चीज अगर उसमें और भी होता है मेरे पास, ये 2 rupees का ESPD कॉइन है, प्रपोज करते हैं ट्रायल एंड एरर के लिए, फिर शायद बनता भी है, शायद नहीं भी बनता है, वैसा होता है। तो ये जो कॉइन है, ये डिजाइन सर्कुलेशन में नहीं आया हुआ है, ये सर्कुलेशन में आया हुआ है। ओके, गॉट इट। या फाइन, थैंक यू।
चलो और भी बढ़िया कलेक्शन है, लेकिन अभी सिद्धार्थ भाई को फ्री कर देते हैं। थैंक यू सिद्धार्थ भाई। अभी एग्जीबिशन का तीसरा दिन है। एग्जीबिशन एक्चुअली सामने है, दिखाता हूँ। देखो वहाँ पे देखेंगे ना तो एग्जीबिशन है, और उसके सामने एग्जैक्ट प्रेसिडेंट होटल है। तो क्या है कि हम लोग जब डीलर मिलते हैं तो होटल में मिलते हैं, उसमें से कुछ हमारा माल शॉर्टिंग होता है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से। चलिए मैं कुछ आपको आइटम दिखाता हूँ। ये पूरा खरीदा हुआ है, बहुत सारी आइटम है। और दूसरा इसमें भी माल था, ये एल्बम सारे हैं। अब इन माल में से पूरा शॉर्टिंग कर रहा हूँ, तो जो जो माल काम का होगा ना वो माल हम निकालेंगे, एक एक चीज़ देख के, मिंट वगैरह देख के। देखो माल अपन तो पहले UNC खरीदते, UNC के अलावा कुछ खरीदते नहीं। तो ये हम सब के, मतलब जो भी एग्जीबिशन में आते हैं ना, उसकी कुछ डीलर्स की USP होती है, वो कभी भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के कोई आइटम या ऐसा कुछ होगा ना तो वो खरीदेंगे ही नहीं। ये देखो, चलो ये काम का सिक्का है। अब ये कुछ जैसे RBI की 50 पैसे है, तो ये ऑलरेडी है हमारे पास इसका पूरा स्टॉक। ये सब है तो इस हिसाब से पूरा शॉर्टिंग होता है। एक डीलर का रूम है पूरा, और यहाँ पे पूरा हिसाब होगा, क्योंकि कॉइन हमने ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा है ना वो। तो इस हिसाब से एग्जीबिशन में काम होते हैं। तीसरा दिन है, कुछ ज़्यादा ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना बना पाए ना आप सबको दिखाता रहूँगा। बाय। कभी कभी क्या होता है कि शॉर्टिंग करते हैं ना, उस टाइम कुछ इंटरेस्टिंग कॉइन भी हाथ में आ जाते हैं। कुछ कॉइन के बारे में पता होता है, कुछ कॉइन के बारे में नहीं पता होता। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए इंदौर स्टेट का है एग्जैक्ट, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कौन सा कॉइन है। डीलर से पूछते हैं, ये भैया कौन सा कॉइन बताया आपने? इंदौर में से। इंदौर में सोच है बोले डिटेल में पांच कॉइन के पास अच्छा है। ओके, तो डिटेल तो इनको भी मालूम नहीं है, तो मेरे को भी मालूम नहीं है, तो भी वेरी फ्रेंड। लेकिन यही न्यूमिस्मेटिक है, अगर कोई चीज़ मालूम नहीं है तो उसको डीपली स्टडी करना चाहिए। एक न्यूमिस्मेटिस्ट की ड्यूटी होती है कि अगर उसके पास अगर कोई भी कॉइन आए उसको पहली बार पता ना हो तो चलता है, दूसरी बार उसको पता ना हो तो गुनाह होता है। तो सीखते रहिए, सिक्के से हम लोग सीखते हैं रोज़। अब जब मेरे पास ये कॉइन आया ना, अब नेक्स्ट टाइम ये पॉसिबल नहीं कि मैं इसके बारे में नहीं जानूंगा। अभी मैं फ्री होके इसके बारे में जो इसके एक्सपर्ट है ना उनको पूछूंगा, वो बताएंगे मुझे, फिर अपने दिमाग में रख लूँगा मैं। तो इस हिसाब से सिक्के को हम पढ़ते भी हैं, सिर्फ खरीदते बेचते नहीं है, रोज़ नया सीखते हैं।